इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यूज़ होता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स इज अ रेंडम वेरिएबल, देन दिस विल बी इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स, एन माइनस एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू वन, वेयर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वन टू थ्री अप टू एन। तो ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, एन कॉम्बिनेशन एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। तो यहाँ पर जो एन है, जो एन है ये नंबर ऑफ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, और पी हमारी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब एन आउटकम इन विच वी आर इंटरेस्टेड, लाजमी नहीं कि हम हमेशा जो है सक्सेस में जो है इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड होंगे, हम कभी कभी फेल्योर में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर एक पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ पर पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो क्यू हमारा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर कहलाएगा, और ये इसका फार्मूला होगा क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी। इसके बाद इसके जो इसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक एक होता है एन, दूसरा होता है पी। एन मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये हम इसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स होते हैं, ये दो पैरामीटर्स हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन होती है, जो मीन होती है वो होती है एन पी के बराबर। इसके बाद जो इसका जो वेरियंस होता है वो होता है एन पी क्यू के बराबर होता है। तो ये इसका फार्मूला है, अभी इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बात बनाना मैं भूल गया कि ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सो इट कैन टेक ओनली इंटीजर वैल्यूज, इट मींस 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू एंड तक। मतलब ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इंटीजर वैल्यूज़ जो है टेकिंग कर। इसके बाद जो एक एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल है, a coin is tossed 5 times, the number of tails in five tosses is the random variable x, calculate all possible values of x। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि हम कॉइन को 5 मरतबा टॉस कर रहे हैं, और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो टेल की है, और हमें क्या मालूम करना है, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, रेंडम वेरिएबल एक्स की जो है पॉसिबल वैल्यूज़ जो है कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो एक्सपेरिमेंट है
वो है क्वाइन इज टॉस्ड, अ क्वाइन इज टॉस्ड। हमने क्वाइन को टॉस किया और इसका जो सक्सेस है वो है टेल, टेल है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ये बराबर होगी सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के। तो हमने जैसे ही पहले हमने समझा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की, प्रोबेबिलिटी आप जब कॉइन को टॉस करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि हमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो पॉसिबल कैटेगरीज वाले जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी टेल की वो होगी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो P हमारा हो गया 1/2। जैसे हमें ये मालूम है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, देन P हेयर P इज इक्वल टू 1/2 एंड Q इज इक्वल टू 1 - P। सो Q हमारा बराबर हो जाएगा 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 1/2। तो Q हमारा 2 के बराबर, 1/2 के बराबर हो गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले में हम इसको यूज़ करेंगे। तो फार्मूला क्या था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स वेयर एन सी एक्स, एन कॉम्बिनेशन एक्स, पी पावर एक्स, क्यू पावर एन माइनस एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू n। सो हियर अगर हम इसका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बनाएं तो हमारे पास n, n हमारे पास 5 है, हमारे पास n 5 है और p हमारे पास 1/2 है, 1/2 है और q हमारे पास 1/2 है। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, 5 सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स, एन हमारे पास 5 है, 5 - x। तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है x के जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4 अप टू 5 तक हैं। तो हमारे हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो है इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर 5 कॉम्बिनेशन इज 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमारे पास है प्रोबेबिलिटी 1/2 के हैं तो ये 1/2 हो गया, 1/2 ये फार्मूला बना बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 सी एक्स 1/2 ओवर एक्स, एक्स 1/2 ओवर 5 - x। तो 5 सी 0 तो यहाँ पर 1/2 पावर एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे और फिर 1/2 पावर 5 - 0। तो ये बराबर हो जाएगा 5 सी 0 बराबर 1 के हैं और एनी थिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, देन प्रॉब यहाँ पर 5 - 0 है तो सिर्फ ये 1/2 के ऊपर हम अगर 5 पावर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1/32 के, ये हो जाएगा 1/32 के। तो ये प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/32 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 देन 5c 1/2 ओवर 1/2 ओवर 5 - 1, 5 - 1 इट मीन्स 4, हेयर इज 4। तो 5c 1, 5 combination 1 इज इक्वल टू 5 देन 1/2 देन 1/2 देन 4 इट मीन्स इट इज इक्वल टू 1/16। तो 5 ये बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 है, 5 1 1 5 1 5, 2 16 32, तो यहाँ पर 5 32 हो जाएंगे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 व्हेन 5 combination 2 इज इक्वल टू 1/2
इज इक्वल टू टू, तो यहाँ पर आ जाएगा वन बाई टू फाइव माइनस टू, ये हो जाएगा फाइव सी टू, हमारे पास ये बराबर हो जाएगा टेन के बराबर हो जाएगा, और वन बाई टू, वन बाई टू इट मीन्स वन अपान फोर हो जाएगा, और यहाँ पर वन ओवर थ्री है, तो ये हो जाएगा वन बाय एट के, वन बाय एट के बराबर हो जाएगा, तो टेन, टेन वन ज़ा वन, वन टेन ज़ा टेन, फोर एटीन ज़ा थर्टी टू, ये हो जाएगा थर्टी टू। इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री देन फाइव सी थ्री वन बाय टू पावर में थ्री आ जाएगा, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय टू फाइव माइनस थ्री, फाइव माइनस थ्री इट मीन्स फाइव सी थ्री इज इक्वल टू टेन, मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय, ये हो जाएगा एट, और ये हो जाएगा वन बाय फोर के, वन बाय फोर के, तो ये इट मीन्स ये हो जाएगा टेन बाय थर्टी टू के, टेन बाय थर्टी टू। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर फाइव सी थ्री, अब हम फोर पुट कर रहे हैं, यहाँ पर वन बाय टू ओवर फाइव फोर, वन बाय टू फाइव माइनस फोर, फाइव माइनस फोर, तो फाइव सी फोर हमारा हो जाएगा फाइव के बराबर हो जाएगा, फिर वन बाय सिक्सटीन, वन बाय सिक्सटीन, फिर ये हो जाएगा वन बाय टू के, वन बाय टू, ये बराबर हो जाएगा फाइव अपान थर्टी टू, फाइव अपान थर्टी टू। फिर हम फाइव पुट करेंगे यहाँ पर, फाइव फाइव कॉम्बिनेशन फाइव इज इक्वल वन बाय टू ओवर फाइव, वन बाय टू ओवर फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, देन ये हो जाएगा फाइव सी फाइव, ये हो जाएगा वन के बराबर, ये हो जाएगा वन अपान थर्टी टू के बराबर, और ये हो जाएगा वन अपान वन के बराबर, तो ये हो जाएगा वन अपान थर्टी टू। तो हमने कैलकुलेट का क्या करना था, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो एक्स के थे वो थे ज़ीरो वन, ज़ीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये हमारे ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ थे। तो हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये वैल्यूज़ पुट किए, जब हमने ज़ीरो पुट किया तो हमारा जो आंसर आया बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले का वो आया वन बाई थर्टी टू, जब हमने वन पुट किया तो हमारा जो आंसर आया फाइव अपान थर्टी टू, जब हमने टू पुट किया तो हमारा आंसर आया टेन अपान थर्टी टू, जब हमने थ्री पुट किया बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के में एक्स की जगह तो हमारा आंसर आया टेन बाय थर्टी टू, जब हमने फोर पुट किया तो हमारा आंसर आया थर्टी फाइव अपन थर्टी टू, जब हमने एक्स की जगह हमने फाइव पुट किया तो हमारा आंसर आया वन बाय थर्टी टू। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, जब यहाँ पर हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो ये इस जगह इस तरीके से बनेगी x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो ये हमने जो वैल्यूज़ फाइंड किए हैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x है। तो हमारे पास x सबसे पहले x क्या है, ज़ीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो ज़ीरो की जो प्रोबेबिलिटी बनी है वन बाय थर्टी टू है, और वन की जो प्रोबेबिलिटी बनी है वो फाइव अपान थर्टी टू है, और टू की जो प्रोबेबिलिटी है टेन अपान थर्टी टू, और थ्री की जो प्रोबेबिलिटी बनी है वो टेन अपान थर्टी टू है, और फोर की जो प्रोबेबिलिटी बनी फाइव अपान थर्टी टू, फाइव की जो प्रोबेबिलिटी बनी है वो वन अपान थर्टी टू। तो जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं उसकी जो समीशन होती है
वो 1 के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर 1, 5, 6, 6, 10, 16, 66, 26, 31 + 1, 32, 32 / 32 = 1। सो सम ऑफ ऑल इन एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये बायनोमल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये बनी है कि 0 1/32, 1 5/32, 2 10/32, 3 10/32, 4 5/32, 5 1/32। तो ये 1 के बराबर आ गया। तो बायनोमल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये सिंपल कॉन्सेप्ट था और ये हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया। सो प्लीज़ अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ समझ तो आया होगा, सिंपली तरीके से मैंने समझाया है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।